हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको बहुत उत्सुक करता है, कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हैं, और ऐसे ही चीज़ लेके आज मैं आया हूँ। आज बहुत ही रोचक चीज़ लेके आया हूँ, इसे मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अधिकतर किताबों में ये सब चीज़ों के बारे में नहीं दिया गया, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि इसके बारे में आपको बहुत अच्छे और डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है मेटल स्पिनिंग। दोस्तों, ये एक ऑपरेशन है। तो कौन सा ऑपरेशन है? क्या स्पिनिंग कोई स्प्रिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं? नहीं दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, ये हम बताएंगे कि क्या है। चलिए, इसके लिए मैं आपको दो चार एग्जाम्पल और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक लेथ मशीन है, जहाँ हेड स्टॉक है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक में यहाँ लगा हुआ है डेड सेंटर, और इस साइड ये एक फेस प्लेट है। फेस प्लेट आप जानते हैं, जिसके ऊपर जबड़ा नहीं होता, जॉस नहीं होते हैं, और उसके साथ लगा हुआ है एक चक। ये चक, इसको मैंड्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंड्रल। मैंड्रल क्या होता है दोस्तों? कोई भी चीज को आकार देने के लिए एक मैंड्रल। जैसे बचपन की चीज आपको याद दिलाता हूं, जिनके पास खेलने के जगह है, या गांव या ऐसे जगह से है, समुन्द्र के किनारे लोग जाते हैं, तो अपने पैर को जमीन में रख के और उसके ऊपर से रेत को डालकर प्रेस कर देते हैं, और पैर के आकृति के होल नीचे बन जाता है, आकार बन जाता है ना? तो ऐसे ही एक चीज यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं मैं, मैंड्रल। ये जिस आकार में आपको इस शीट को मोड़ना है, ये एक शीट है, इसको मोड़ना है, तो मैं इस रेडियस आकार में लिया। तो जब इसको मैं मोड़ूंगा, कैसे मोड़ूंगा वो तो मैं आपको बताऊंगा, पर यदि इसको मोड़ दिया जाए तो उसी आकार में आ जाएगा जैसे ये है। चलिए, मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से और बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक मैंड्रिल है, ये वाला जो मैंड्रिल है, ये मैंड्रिल है, ये आपको एक शीट दिख रहा है। यहाँ पे आप शीट लिख लीजिए, ये शीट है दोस्तों। ये कहाँ करते हैं? तो नॉर्मल शीट के लिए नहीं करते, ये कुछ स्पेशल अलॉय, जैसे टाइटेनियम वगैरह, जो जो मेटल को हम नॉर्मली प्रेस करके, प्रेस मोल्डिंग नहीं कर सकते, प्रेस से मोल्ड नहीं कर सकते, उसे हम इस प्रोसेस के द्वारा, मेटल स्पिनिंग द्वारा करते हैं। तो ये शीट है, ये मैंड्रल है, ये हमने एक जॉब को, प्लेट को रखा, और ये देखिए, ये टूल डस्ट है और ये टूल है। ये टूल में क्या है, ये एक शैंक है और सामने एक रोलर लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे शीट के अपोजिट साइड, टेल स्टॉक साइड, और फिर इसको हम ये रोटेशन में रहेगी, घूमता हुआ रहेगा, और यहाँ से हम इसको तेज प्रेस करेंगे, और ये रोलर है, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये सिलेंड्रिकल घूम रहा है, तो जैसे जैसे घूमेगा उसको ऐसे प्रेस करता हुआ, जितने इसकी दूरी लंबाई रहेगी वो इस आकार में आ जाएगा, और इससे क्या होगा कि ये इसकी आकृति बना लेगा, जो आकार मैंड्रिल का होगा उसी आकार में ये शेड भी आ जाता है। ये क्या है, ये फ्लो ब्लॉक है, ये इसको प्रेस करता है, एक शॉर्ट मेटल होगा, क्योंकि ये इसको प्रेस नहीं करेगा तो फिर ये अपने जगह, अपना पोजीशन से हट जाएगा, इसलिए इसको यहाँ से एक फोर्स दे के रखा है। और टेलीस्कोप में यहाँ पे रिवॉल्विंग सेंटर लगा होता है। रिवॉल्विंग सेंटर का मतलब ये होता है कि सेंटर भी इस जॉब के साथ साथ घूमे, ठीक है ना? तो ये आप समझ गए कि इसको कैसे किया। देखिए यहाँ ऐसा, इसको हम यहाँ एक टूल लगा रहे हैं, इसको इस टाइप से, ये जब घूमेगा तो इसको घूमने से कंटिन्यू घूमेगा, और एक जिस प्रकार से ये चक है, इसकी आकृति में ये आ जाएगा। तो सवाल है कि मेटल स्पिनिंग क्यों, क्यों नहीं हम ऐसा भी प्रेस ले लेते, इसके ऊपर ऐसा रखते और इसको ऑपोजिट साइड से एक और, एक मान लीजिए जैसे हमारे नीचे एक गिलास रखा है, एक शीट रखा है, एक और गिलास से ऐसा दबा देते तो आसानी से बन जाता। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा,
लेकिन दोस्तों मैंने यही तो बोला है आपको, जहां पर मेटल सॉफ्ट होगा हम वहां मोल्ड फ्रेमिंग प्रेस के द्वारा भी आकार दे सकते हैं, लेकिन टाइटेनियम अलॉय या अलॉय स्टील या ऐसा कोई मेटल्स जो अलॉय से बनता हो, टंगस्टन से बनता हो, उसको हम कर सकते? नहीं कर सकते। तो इससे हम तरह तरह के आकार बना सकते हैं। यदि मैंडल के आकार इस टाइप से होगा तो ये भी बन जाएगा। ये देखिए, इसमें यहाँ प्रेस करेंगे और ऐसा घूमता हुआ ये आकार में बन जाएगा। ये तो आपको मैंने बताया। अब ये इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों? जो रॉकेट बनता है आपने देखा होगा, रॉकेट के अंतिम सिरे में इस टाइप से कोनिकल में रहता है रॉकेट, जो स्पेस में छोड़ा जाता है, उसके सामने वाला किस्सा कितना हार्ड होता होगा, है ना? तो इस टाइप से इसको प्रेस कर सकते हैं। या जो मिसाइल होता है, जिसे मिसाइल को दागा जाता है, उसके उसके सामने वाले हिस्से को, सेना लोग जो हथियार यूज करते हैं उसके सामने वाले कैप को इस आकार में बनाना पड़ता है। करके टाइटेनियम और इसके अलावा इस प्रकार के मेटल्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एक चित्र के द्वारा भी हम देखते हैं, इसे भी एक बार देखिए। देखिए दोस्तों, ये टेलस्टॉक साइड से सेंटर से इसको प्रेस किया गया है। जिसे प्रेस किया गया है उसे फ्लो ब्लॉक बोलते हैं, और फ्लो ब्लॉक से ही चक के बीच शीट को दबा के रखा जाता है। रोलर जो आपको दिख रहा है, ये रोलर से शीट को प्रेस लगातार प्रेस करते हैं और स्लाइडिंग करते हैं ताकि आकार आ जाए। ये आप शीट को देख रहे हैं जो टाइटेनियम अलॉय की शीट है, ये शीट को आकार दिया जा रहा है। पतले तथा मोटे सभी प्रकार के शीट इसके द्वारा हम कर सकते हैं, परंतु खास करके कुछ टाइटेनियम और उसके अलॉय या अलॉय स्टील, इस प्रकार के जॉबों के लिए इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इससे आप कोई भी आकार के जॉब को बना सकते हैं। तो ये रहा आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल के स्पिनिंग मेथड, ठीक है ना? तो एग्ज़ाम में आता है टाइटेनियम अलॉय की स्पिनिंग के लिए कौन सी मेथड का प्रयोग करते हैं या आकार देने के लिए, ठीक है? ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।